तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। देखो इस टाइम पे ना क्राउड चल रहा है, भयंकर लेवल का क्राउड चल रहा है, ना कि सिर्फ थिएटर में बल्कि सोशल मीडिया में भी। उसके बाद क्या कहते हैं, ढेर सारी मतलब कोई न्यू ट्रेलर रिलीज हो रहा है, कभी अपडेट आई जा रही है, तो बड़ी से बड़ी मूवी की अपडेट भी निकल कर आ रही है, साथ में जो और भी मूवी चल रही हैं, बड़े बड़े स्तर की मूवीज आ रही है। इधर फुकरे 3 लगातार चल रही है, फिर टाइगर 3 की अपडेट आ गई। जी हाँ दोस्तों, आज फुकरे 3 और टाइगर 3 की अपडेट के बारे में बात करेंगे। लेकिन और भी चीज़ें, अभी मैं देख रहा था कि मार्टिन जो मूवी आने वाली है पैन इंडिया, उसने अपना पोस्टर निकाल दिया है। उसके बाद लियो कल से धमाल मचा रहा है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज आए हैं भाई साहब, रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज। मैं देख रहा था 15 मिनट के अंदर ही 2.5 मिलियन से ऊपर व्यूज आ चुके थे तमिल के ट्रेलर में स्टार्टिंग में ही। उसके बाद हिंदी का ट्रेलर तो थोड़ा लेट आया, हिंदी के ट्रेलर में भी जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला है लियो मूवी को। तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ आ गई है तो समझ में नहीं आ रहा कि बातें किस किस में करें। लेकिन वही चीज़ है, आज फुकरे 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे और टाइगर 3 अपडेट के बारे में बात करेंगे कि टाइगर 3 का ट्रेलर कब आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, टाइगर 3 का ट्रेलर आने वाला है, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है YRF ने। लेकिन उससे पहले बात करेंगे भाई, जब टाइगर 3 की हाइप ना इतनी सॉलिड चल रही, जबरदस्त चल रही, लेकिन एक चीज़ है ना, टाइगर 3 यार थोड़ा सा मामला बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में थोड़ा डाउन जाने को दिख रहा है। कैसे, देखो वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वर्ल्ड कप का लास्ट जो टाइम होगा ना, जब टाइगर 3 मूवी रिलीज होगी तो उस टाइम फिनाले चल रहा होगा या सेमीफाइनल के आसपास का लास्ट का टाइम चल रहा होगा क्रिकेट वर्ल्ड कप का। तो बहुत सी मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस क्या कहते हैं वहाँ पर निकल जाएगी डेफिनेटली। ये कहने वाली बात है, ये कोई तुक्के तक्के वाली बात नहीं है, इट्स ए हार्स एंड रियल ट्रूथ फॉर इट। और दूसरी तरफ एनिमल मूवी जो 1 दिसंबर को रिलीज हो रही है, जब टाइगर 3 वर्ल्ड कप की मार को झेलने के बाद जब ये लय में पकड़ने को तैयार होगी बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन के मामले में, लय पकड़ने को तैयार होगी ही, जैसी एनिमल मूवी आ जाएगी रणवीर कपूर की, जिसका हाइप इस टाइम इतना भयंकर लेवल का चल रहा है, क्योंकि उसमें जो ब्रुटैलिटी देखने को मिलने वाली है, टॉक्सिसिटी देखने को मिलने वाली है, और उसी से रिलेटेड, उसी से मिलता जुलता एक ट्रेलर हम कल भी देख चुके हैं, किसका, लियो मूवी का। तो उस पर एक नई वीडियो मैं बनाऊंगा जरूर, जबरदस्त लेवल की अपडेट्स है मेरे पास उसके, तो उसके वीडियो इसके बाद आ ही जाएगी। लेकिन टाइगर 3 के बारे में बात करते हैं, टाइगर 3 जबरदस्त चल रहा है भाई, इसका हाइप मतलब इतनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही, मैं वही कह रहा हूँ ना, इतनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, लेकिन टाइगर 3 का हाइप बिल्कुल डाउन नहीं हुआ है। टाइगर 3 की जो फैन फॉलोइंग है, टाइगर 3 के लिए जो बेसब्री है लोगों के लिए, जबरदस्त लेवल की चल रही है। तो YRF ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, वो भी अपने अपने पेज पर, अपने अकाउंट्स पर, अपने सोशल मीडिया के, मतलब जहाँ जहाँ भी उनके अकाउंट्स हैं उन सभी जगह अपने धड़ल्ले से अपडेट डाल दी है कि ट्रेलर कब आना है। जी हाँ दोस्तों, ट्रेलर आना है 16th October को, और भाई साहब मैं ज़बरदस्त तरीके से वेट कर रहा हूँ। लेकिन एक बार देखा जाए तो यार ट्रेलर बहुत जल्दी नहीं डाल दे रहे हैं, क्योंकि मूवी आनी है मिडिल ऑफ नवंबर में और 1 महीने पहले ही ये लोग ट्रेलर डाल दे रहे हैं। तो यार कहीं ना कहीं अगर ये जो गैप मेंटेन हो जाएगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हाइप स्लो देखने को हो जाएगी या फिर डिप देखने को मिल जाएगा। जो ट्रू फैन है, जो डाई हार्ड फैन है, वो तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, लेकिन और भी जो पब्लिक है, रनिंग ऑडियंस है, उसके दिमाग में भी तो ये चीज़ बैठती होनी चाहिए। तो वही एक चीज़ ये लिंक क्रिएट हो रहा है कि जैसे जवान मूवी ने क्या किया था कि पहले प्रीव्यू डाला था 1-1.5 महीने पहले, उसके बाद फाइनल ट्रेलर उन्होंने 8-10 दिन पहले डाला था। तो हो सकता है ये चीज़ भी हमें देखने को मिले कि फाइनल ट्रेलर जब मूवी रिलीज होगी तो नवंबर स्टार्टिंग में या नवंबर में, जब मूवी मिडिल ऑफ नवंबर में जब भी मूवी रिलीज होगी उससे 10 दिन पहले या 8 दिन पहले हमें एक फाइनल ट्रेलर और देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तो 16 अक्टूबर के लिए बेसब्री से इंतजार है। ये डेट जैसे ही आएगी भाई साहब, मैंने अभी से रिमाइंडर सेट करके रख दिया है, आप लोग भी रिमाइंडर सेट करके रख लो, क्योंकि टीजर ने जो आग लगाई थी, टीजर ने जो फाड़ के रखा है, तो ट्रेलर में तो उससे कहीं ज़्यादा मिलने वाला है, और बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, और दबा के धमदार तरीके से मिलने वाला है। बाकी बॉक्स ऑफिस में तो ये रिकॉर्ड फाड़ के रखेगी रखेगी। दूसरी तरफ थियोरेटिकली ना देखें, अगर रियल ट्रूथ पे देखें, रियल इंसिडेंट पे देखें, तो साथ में वर्ल्ड कप का जो फिनाले आने वाला है उस टाइम पे मूवी रिलीज होगी, और एनिमल मूवी उसके बाद जब रिलीज होगी तो वो डेफिनेटली वो सोच खाएगी खाएगी, क्योंकि ज़बरदस्त लेवल की हाइप है। तो एक बार के लिए ना इन सब चीज़ को देखें तो 1000 करोड़ टाइगर 3 के पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, इम्पॉसिबल नहीं लग रहा है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन 800 करोड़ डेफिनेटली ये मूवी जा सकती है। तो जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता देना। अब बात करते हैं फुकरे 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। फुकरे 3 रोज़ धमाल मचा रही है, ज़बरदस्त तरीके की धमाल मचा रही है, जैसे जवान की आँख के सामने सब ठंडे पड़ गए, लेकिन फुकरे 3 ने डटकर कदम पकड़े, डटकर ज़मीन पकड़ी और मुकाबला किया, और ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला कर रही है। हर दिन अच्छी खासी कमाई लाते दिख रही है, संडे में ज़बरदस्त कमाई लेके आई है, जबकि संडे में जवान ने एक तरफा सबको बीट डाउन कर दिया था, क्योंकि वहां पर संडे
तक बाय वन गेट वन फ्री का जो ऑफर चल रहा था ज़बरदस्त तरीके चल रहा था, उसका फ़ायदा पब्लिक बहुत अच्छी तरीके से उठा रही थी। उसके बाद इस पार्ट में भी हमें पहले दो पार्ट की तरह ही तड़का देखने को मिल रहा है, जो पहले दो पार्ट में थी कि उड़ता तीर जब वो लेते हैं अपने उसमें, जहाँ पर भी लेते हैं आप इमेजिन कर सकते हो, वही चीज़ इन्होंने थर्ड पार्ट में भी कराया। चूचा द ग्रेट दोबारा से हिट हुआ है और ज़बरदस्त तरीके से हिट हुआ है। पंडित जी हमारे पंकज त्रिपाठी, इन्होंने भी ज़बरदस्त काम किया है। वन लाइनर की जो इनकी कॉमेडी है, इनकी कॉमिक डिलीवरी है, बहुत शानदार है। मतलब फ़न के फनकार हमें इसमें कमी कहीं से कहीं तक कम नहीं देखने को मिलने वाली है। भोली का वही रूप दोबारा से देखने को मिलने वाला है। उसके बाद लाली पाजी अपने ज़बरदस्त तरीके से, इन्होंने भी छाप छोड़ा है इस बार। पुलकित सम्राट हमारे हनी पाजी, इन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने काम किया है और हर दिन अच्छी खासी मोटी कमाई लेकर आ रहे हैं। तो वही मैं बताऊँ, फर्स्ट डे की इनकी कलेक्शन बताऊँ, थर्सडे में इनकी ओपनिंग थी 8.82 करोड़ का फर्स्ट डे कलेक्शन था। सेकेंड डे कलेक्शन आया 7.81 करोड़ का। सैटरडे आया थर्ड डे में इन्होंने कलेक्शन किया 11.67 करोड़। इन्होंने भी ज़बरदस्त तरीके से हॉलीडेज़ का फ़ायदा उठाया, सैटरडे संडे का जो वीकेंड होता है फुल फ़ायदा उठाया और मूवी कमा के ले गई लगभग पहले तीन दिन में ही 26 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन। संडे में जब एंट्री मारी तो संडे में ह्यूज ग्रोथ करके आई, जबकि जवान इसके सामने चल रही थी। अगर ये सिंगल डे में आ जाती ना, मतलब कोई भी कंपटीशन इसके सामने नहीं होता, तो बाय गॉड ये मूवी संडे को 28 से 30 करोड़ की आराम से ग्रोथ कर सकती थी, आराम से कलेक्शन कर सकती थी। तो संडे फोर्थ डे में 15.18 का कलेक्शन किया, मंडे फिफ्थ डे में 11.69 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन किया, ट्यूसडे में जो सिक्स्थ डे था इनका 4.11 करोड़ का कलेक्शन किया, वेडनेसडे सेवन्थ डे में इन्होंने 3.62 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन किया। वर्किंग डे होने के बाद भी ह्यूज कलेक्शन किया, जबकि जवान का कलेक्शन यहाँ पर 1.8 या फिर 1.9 करोड़ के आसपास रहा था टोटल 99 कलेक्शन। आठवां दिन कल की अगर बात करें तो कल भी ज़बरदस्त कमाई करते नजर आई है। अब लय में चल रही है, मतलब वर्किंग डेज में भी लय में चल रही है। परसों जो कमाई देखने को मिली वो कल को देखने को मिली 3.12 करोड़। ह्यूज कलेक्शन मैं मानता हूं, क्योंकि यहां पर ना जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है भाई साहब। आज से तो मिशन रानीगंज मूवी रिलीज हो गई और आज जो कंपटीशन देखने को मिलेगा मिशन रानीगंज मूवी में, अक्षय कुमार की अलग फैन फॉलोइंग है, हालांकि उनकी तरफ से कोई प्रमोशन नहीं था, लेकिन लोग जाएंगे, फैमिली वाली ऑडियंस है वो इस मूवी को देखेंगे और यहां से ना बहुत से सोच वो अपने खाते में लेने वाली है। जवान के लिए भी टक्कर होने वाली है, फुकरे 3 के लिए भी टक्कर होने वाली है। तो टोटल कल एंड ऑफ द डे तक मूवी 66 करोड़ का मार्वलस आंकड़ा अपने खाते में रख चुकी थी और जबरदस्त तरीके से कमाई कर रही है। हाँ यह है कि यह मूवी पिटेगी तो नहीं, अब अच्छा खासा कलेक्शन करके ले जाएगी, ब्लॉकबस्टर नहीं कहेंगे लेकिन सुपर डुपर हिट यह मूवी जा सकती है। 150 करोड़ मैं मान के चल रहा हूं कि यह लाइफ टाइम कलेक्शन कर लेगी। आप लोगों की क्या राय है कि यह मूवी कितना कलेक्शन कर सकती है, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।